सलाम नमस्ते हेलो के पूछो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीए बैंक फ्यूचर। दोस्तों सुबह हो चुकी है और आपने ताजा तरीन कपड़े लेकर जा चुके हैं फ्यूचर और बहुत सारे यूनिक करेंट अफेयर, बहुत सारे नए करेंट अफेयर। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है दोस्तों, बड़े ही मन से बनाया है और बड़े ही तबीयत से, इसी में विलंब भी हो गया दोस्तों। तो दोस्त चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे तेज सबसे पहले करेंट अफेयर आपको 1 जुलाई, यानी कि भाई एक तरीके से 1 जुलाई का महत्व हमारे बचपन में बहुत हुआ करता था। आज से नए सेशन, नई तरीके से स्कूल खुलते थे, नई क्लासेस में हम लोग जाया करते थे। तो आज एक नई उमंग के साथ शुरू करते हैं, फटाफट से सभी लोग आ जाइए, सभी लोग एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। एक बार यही गुरु दक्षिणा है, एक बार कर्ण ने परशुराम जी को बिना गुरु दक्षिणा दिए जो है शिक्षा ली थी, तो दोस्तों उनको जरूरत के समय पे काम नहीं आई थी, भूल गए वो विद्या। इसलिए बिना गुरु दक्षिणा दिए कभी भी किसी गुरु से ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए, वरना फिर वो समय पे काम नहीं आता है, ऐसा मान्यता है। तो हम तो सोना चांदी मानते भी नहीं है, हमें नहीं चाहिए आपसे कोई सोना चांदी, हमें चाहिए कि आप हमें वायरल करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, आप अपने गुरु जी के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वो वीडियो जैसे कि कल मैंने एकनाथ शिंदे पे बनाया, मैंने द्रौपदी मुर्मू पे बनाया था, वो सारे वीडियो जो कि आम लोग भी देख सकते हैं उनको वायरल करें दोस्तों। उन छोटे छोटे शॉर्ट्स को देखने में उन सभी लोगों को इंटरेस्ट होगा, जो लोग पढ़ते भी नहीं है वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी जानकारी के, और उनको सब्सक्राइब भी करवाए। आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अपनी स्टेटस पे लगा दें उस चीज, उन शॉर्ट्स को, तो इससे जो है आपके गुरु जी की भी मदद हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हजारों लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं वहां पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। दिनेश अरोड़ा सर कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हो आजकल? भाई इस समय तो जीएबी ट्यूशन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ा रहे हैं। ये आपका अपना चैनल मैंने शुरू किया है, ठीक है, आपका अपना चैनल शुरू किया है। बाकी जब आप अकेले ही चलते हो तो पीछे काफिला आ जाता है और रास्ते बनते चले जाते हैं। दोस्तों वीकली करेंट अफेयर जो है यहाँ पर शुरू हो गया है 10 बजे सुबह, 26 जून को हर संडे को होता है, तो परसों है दोस्तों अगला वीक और आपको 10 बजे सुबह मिलेगा। आप टेलीग्राम पे दोस्तों मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इन सब पे जीए बाई फ्यूचर सर्च कर। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाता है, क्या मिल जाता है भैया? पीडीएफ आपको इस लेक्चर का मिल जाता है, कल तक के पीडीएफ जीए बाई फ्यूचर टेलीग्राम पे जो है दोस्तों अपडेट हो चुका है। दोस्तों आज का सुविचार है कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तभी रुकते हैं जब वो जीतते जाते हैं। फेलियर से वो नहीं डरते, वो हजार बार फेल होंगे फिर भी दोस्तों रुकेंगे तभी जब वो जीत जाएंगे। अल्बर्ट वो जो है क्या नाम था, थॉमस अल्वा एडिसन, जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो 50 बार फेल हुए, 100 बार फेल हुए, 200 बार फेल हुए। लोगों ने कहा फेल होते जा रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? तो भाई साहब 999 बार फेल, तब जाके इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार। लोगों ने पूछा कि भाई आपने ऐसा कैसे किया? उन्होंने कहा क्योंकि मुझे पता था कि एक मेटल होगा जो इतना टेम्परेचर को एब्सॉर्ब कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, और वो टंगस्टन धातु मुझे मिला। तो मैं जितने एक्सपेरिमेंट करते जाता था तो उतने मुझे पता चलता था कि इस तरीके से बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता, यानी अब तो है इतना ही तरीका बचा है, इतने तरीके हो गए, अब तो केवल इतना ही तरीका बचा है, अब तब जाके उन्हें दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। समझ रहे हैं, क्लियर है, बात समझ में आ गई? सर अनअकैडमी क्यों छोड़ा? भाई वहां कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, पिछले साल जून में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बोलो ये थे मेरे सर को, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट में बंधा था, नहीं तो पहले छोड़ देता। दोस्तों किस राज्य सरकार ने नेशनल एमएसएमई पुरस्कार में पहला पुरस्कार जीता है? Which state government has bagged first prize in National MSME Award
2022। तो दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा ने जो है एमएसएमई अवार्ड में पहला पुरस्कार जीता है। आपको बताना है कि एमएसएमई डे किस दिन मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों एमएसएमई किस दिन डे मनाया जाता है। अभी हम लोग पिछले ही वीक में, पिछले ही मंथ में हम लोगों ने मनाया है एमएसएमई डे। ठीक है, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा ने एमएसएमई अवार्ड जीता है। आप देख पा रहे हैं एमएसएमई अवार्ड जो है उड़ीसा सरकार को उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। ठीक है, बिहार सेकेंड नंबर पे है। बिहार जो है दोस्तों ये सेकेंड नंबर पे है एमएसएमई अवार्ड में, और हरियाणा थर्ड नंबर पे है। हरियाणा थर्ड नंबर। अगर मैक्सिमम रिसिपेंट में देखा जाए मैक्सिमम किस राज्य की कंपनियों को मिला है, तो उसमें हमें हरियाणा भी दिखता है, क्योंकि गुड़गांव जो है वहां पे है और गुड़गांव में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। अब आप कहोगे सर ये तो आपने हमें पढ़ाया था, अब फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो तो पढ़ाया था, वो तो तुम्हें याद हो गया, लेकिन ये तो नहीं पढ़ाया था। कि कितना बढ़िया डेटा मैं लेके खोज के लाया हूँ, कम से कम इसमें मेरा आधी घंटा लगा इस डेटा को खोजने में। मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, कई जगह नहीं मिला मुझे, जाके एक जगह ये पूरा डेटा मिला है। आइए देखते हैं। पहला प्राइज एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, और इसी सब में लेट भी हो जाता है तुम लोग के लिए डेटा खोजने में। सेकंड प्राइज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार, थर्ड प्राइज एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी तीनों राज्यों की एमएसएमई डिपार्टमेंट को यहाँ पे अवार्ड मिला है। ठीक है, क्लियर है, समझ में, समझ गए? वहां भी है यार, वहां पे भी बेचो बेचो है दिनेश। तो क्यों मैं अड्डा ज्वाइन कर लूं, मैं अपना ज्वाइन कर लूंगा, देखा जाएगा यार भविष्य में। तो क्या टेंशन ले रहे हो? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं दोस्तों? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहां भी बेचो बेचो है, वहां पे तो 6 मंथ करेंट अफेयर 10-15 मिनट पढ़ा देते हैं, फिर कहते बाकी पढ़ना अंदर आओ, तो कुंडी का खप आओगे तो सीधा अंदर आओगे तो पैसा देंगे। तो इन्हीं सब चीजों से तो मैं भागता हूँ दोस्तों। अब देखेंगे, रोजी रोटी है, चलानी है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, देखेंगे। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जो कि दोस्तों बॉटम से आते हैं, बॉटम से आते हैं दोस्तों, जो टॉप के जो है डिस्ट्रिक्ट होते हैं एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है एमएसएमई के प्रमोशन और डेवलपमेंट में दोस्तों। दोस्तों करौली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और कालाहांडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पहला अवार्ड तमिलनाडु के विरुधुनगर को मिला है, ये बात याद रखिए। फिर राजस्थान के करौली और उड़ीसा की कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट थर्ड प्राइज है। इसके बाद दोस्तों एमएसएमई सेक्टर में बेस्ट बैंक का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट बैंक का अवार्ड दोस्तों एसबीआई को मिला है। सेकेंड प्राइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिला, थर्ड प्राइज पंजाब नेशनल बैंक को मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है बताओ? अरे तुम लोग को बताना तो चाहिए कि आवाज नहीं आ रही है, बेवकूफ हो तुम लोग को। मैं भूल जाता हूँ यार, तुम लोग तो याद दिला दिया करो मेरे बच्चों कि सर आपने माइक नहीं लगाया है। तुम लोग ना एकदम गंदे हो गए हो। बताते नहीं हो। दिव्या कह रही है बोल रहे हैं, माइक लगा लीजिए। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं। यहां पर देखा जाए, आखिया कह रहे सर ऑनलाइन टीचिंग में टीचर की स्किल को न देख के कंपनी वालों ने टीचर के फेस को रेवेन्यू का जरिया बना लिया, इसीलिए तो वो पेड बैच लेने के बाद जो है वो जो 6 महीने करंट अफेयर 10 मिनट पढ़ाते हैं फिर अंदर ले जाते हैं, तो वहां सिलेक्शन कहाँ होता है? सिलेक्शन रेशियो देखो, सिलेक्शन रेशियो अपना बेस्ट 200+ करेंट अफेयर वाली क्लास जो फ्री क्लास है वही हर साल देती है ना, सिलेक्शन रेशियो सबसे तगड़ा उसी का तो है।
और सब भीड़ के पीछे, तो इसीलिए फेस से कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं मैंने देखे जो करंट अफेयर्स तो पढ़ाते हैं लेकिन बैंकिंग की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा बैंकिंग में? मान लो बच्चा करंट अफेयर वाला पार्ट कर लिया लेकिन फिर जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट है वो तो कराते ही नहीं है। वो पेड बैच में इसलिए कराते हैं कि पैसा दे दियो, फिर गिनती के लोग हैं, सही पढ़ा रहे हो गलत पढ़ा रहे हो पता भी नहीं चलता आम जनता को। आम जनता को लगता है बहुत बढ़िया करंट अफेयर पढ़ा रहे, तो भीड़ की दुनिया दीवानी है, उसी ठेले पे जाते हैं जहां पे भीड़ रहती है वही गुलगप्पा खाते हैं। लेकिन फिर ये गुलगप्पा नहीं है भाई, यहाँ सिलेक्शन लेना है, यहाँ आपको पास नहीं होना, यहाँ टॉप पे आना है, फिर वही जो है दिक्कत हो जाती है। तो खैर तुम्हें क्या करना है, तुम सही जगह पे हो, सही जगह पहुंच गए हो। हम लोगों ने अपने फ्री वाले YouTube को बेस्ट 200 पर प्लस करंट अफेयर को किसी भी कंपनी के आगे बिकने नहीं दिया, चाहे वो कोई भी कंपनी रही हो। किसी ने भी कहा हो कि बेस्ट 200 सीरीज जो आप चलाते हैं सर करंट अफेयर की, उसको पेड कर दीजिए, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। गर्ग साहब ने भी कर दिया था दोस्तों, शुरू में वो फ्री में चलाते थे, बाद में उसको पेड कर दिया था चढ़िया IQ वाले, लेकिन हमने उसको जो है कभी करने की जरूरत नहीं समझी थी, है कि नहीं? चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इन सब बातों पे चर्चा आज बहुत कर ली आप लोगों ने, दुखती रख पे हाथ रख रहे हो मेरे, मैं तो इस पे 1-2 घंटा बोल दूंगा। तो कौन सा उनका, उनके बच्चे हमारे बच्चों से जब मिलते हैं एग्जाम के बाद तो कहते हैं अरे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर कब ईरान बन गया, हम लोग तो 8 मेंबर याद किए हैं। तो वो हमारे बच्चे कहते हैं हमारे सर तो रोज उसको 4 बार हटवाते हैं रोज। तो ऐसे होता है दोस्तों। भारत में गिग इकोनॉमी पर इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है? हु हैज लॉन्च द रिपोर्ट इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ऑन गिग इकोनॉमी इन इंडिया। अब दोस्तों जैसे कि अब मान लो करंट अफेयर तो लोगों ने पढ़ा दिया कि नीति आयोग ने इस पर जो है इकोनॉमी रिपोर्ट लॉन्च करी है, लेकिन जब उनको ये बताना आएगा कि गिग इकोनॉमी कहते हैं किसको, तब उनको घबरा जाएंगे। गिग इकोनॉमी दोस्तों आपने देखा है फ्रीलांसर वर्क आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ऑनलाइन वर्क हो ऑफलाइन वर्क हो, जब इंप्लॉय की जरूरत हो तब उसको जो है बुला लो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो काम होते हैं, संविदा पे जो काम होते हैं, अग्निवीर पे जो काम हो रहा है दोस्तों गिग इकोनॉमी, कि हमने कुछ इस परमानेंट एम्प्लॉय रखे हैं कुछ नॉन परमानेंट एम्प्लॉय रखे हैं, यही अग्निवीर बाद में जब युद्ध की परिस्थिति में बुला लिए जाएंगे बॉर्डर पे, समझ रहे हो? गिग इकोनॉमी जब जरूरत है तो अस्थायी कर्मचारियों को नॉन परमानेंट कर्मचारियों को काम पे बुला लो, उनको उनके काम का मेहनताना दो और उनको जो है बोलो कि बस ठीक। ऐसे बहुत सारे लोग की भी काम करते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो उन लोग से हम काम कराते हैं और फिर उनको जो है कि काम खत्म होने पर उनकी पैसे दे के उनको भेज देते हैं, हम उनको सैलरी नहीं देते। तो जिनको सैलरी नहीं मिलती जो ऐसे काम करते हैं बुलावे पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वो होता है गिग इकोनॉमी, ठीक है? गिग इकोनॉमी। खैर ये रिपोर्ट जो है दोस्तों यहां पर नीति आयोग ने दिया है, ये बूमिंग जो है एक सेक्टर यहां पे है, 1 जनवरी 2015 को ये आया था, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में, कहां पे हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? और दोस्तों इसके सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, इसके सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं, इसके सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं दोस्तों, सीईओ इसके अपॉइंट हुए हैं परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। और दोस्तों इसके वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार की जगह कौन बन गए हैं? सुमन बेरी। कौन बन गए हैं भैया? सुमन बेरी बन गए हैं, ठीक है? सुमन बेरी जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, नीति आयोग का, याद कर लीजिए, ठीक है? समझ गए? हाँ चलो तो दोस्तों यहां पे जो है अनुमान है 2020-21 में गिग इकोनॉमी में 77 लाख कर्मचारी लगे हुए थे। 2021
दोस्तों वो हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल फोर ग्रैंड स्लैम्स, सभी चार ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों चार ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, एक होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि उस पर खेला जाता है, क्या नाम है, हार्ड ग्राउंड पर दोस्तों। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले ग्राउंड पर। उसके बाद होता है दोस्तों विंबलडन जो इंग्लैंड में होता है, जो सबसे पुराना है विंबलडन, ये होता है ग्रास पर, आज तक ये घास पे ही हो रहा है तो दोस्तों। और आखिरी होता है यूएस ओपन जो कि वो भी हार्ड ग्राउंड पर होता है। तो चार ग्रैंड स्लैम, चारों ग्रैंड स्लैम मिला के 80 मैच जीतने वाले भाई इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच दोस्तों कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये देश भी पूछता है इसलिए याद रखिएगा, सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं भैया नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड है मेरे भाई, और बेलग्रेड है क्या है, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है। और सर्बियन दिनार जो है यहाँ की करेंसी है, क्या है करेंसी, सर्बियन दिनार यहाँ की करेंसी है, क्लियर है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। दोस्तों इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान यॉन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यॉन मॉर्गन ने इंग्लैंड को, जो क्रिकेट का जनक माना जाता है, कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, इंग्लैंड को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले, इंग्लैंड की धरती पर न्यूजीलैंड को के साथ टाई हो गया था मैच भी और सुपर ओवर भी। और दोस्तों उसमें जो है एक खिलाड़ी थे, क्या नाम था उनका, शायद बेन स्टोक्स ही नाम था, और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, आउट ही नहीं हुए थे, उन्हीं की वजह से इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता। बाउंड्री की संख्या के आधार पे किसने ज्यादा बाउंड्री मारी है पूरे मैच में, इस आधार यॉन मॉर्गन एकमात्र दुनिया के ऐसे क्रिकेटर हैं दोस्तों जो आयरलैंड से भी खेले हैं और दोस्तों इंग्लैंड से भी खेले हैं, मतलब आयरलैंड देश से भी क्रिकेट उन्होंने खेला है और इंग्लैंड से भी खेला है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आरजे वासु ने ये बात बताया है बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये यॉन मॉर्गन ने संन्यास ले लिया है, इनसे बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार जो है चली गई और एक नई शिवसेना ने जन्म लिया है, एकनाथ शिंदे वाली, जो कभी ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे, ऑटो ड्राइवर यूनियन के हेड बने और वहां से दोस्तों चार बार विधायक बने, थाने से दोस्तों जो है कि अभी अपनी राजनीति करते हैं। थाने जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जहां से भारतीय ट्रेन की शुरुआत भी हुई थी, मुंबई से थाने के बीच में 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों उसी थाने से। और वो मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री बन गए। हिंदुत्व के मुद्दे पर दोस्तों उन्होंने शिवसेना से अलग होने का फैसला किया, और लेकिन शिवसेना भी जो है जाते जाते सोची कुछ जो है ऐसा काम कर दें कि हमारा नाम हो जाए चुनाव में बताने के लिए, तो उन्होंने औरंगाबाद जिले, जो दोस्तों औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र में, उसका नाम संभाजी नगर कर दिया है। क्या नया नाम कर दिया है भैया, संभाजी नगर, क्या नाम है, संभाजी, शिवाजी के सुपुत्र थे जिनको औरंगजेब ने बहुत बुरी तरीके से दोस्तों मारा, लेकिन जो है उन्होंने इस वो धर्म परिवर्तन नहीं किया दोस्तों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1753 में दक्कन पर आक्रमण किया और उस शहर में अपनी राजधानी स्थापित की। उसके लिए ये इतना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि भाई साहब बाद में उसकी मजार भी उधर ही बनी, उधर ही जो है कि उसने अपने आप को जो है कि खत्म भी किया, सोचिए उस क्षेत्र को, उसके लिए इतना बड़ा ड्रीम था। तो वो अपने नाम को अमर करने के लिए कि हमने दक्कन पर वो कर लिया, इसलिए वहां पे उसने जो है अपनी मजार बनवाई, उसके लिए सोचो कितना बड़ा प्रश्न रहा होगा, मतलब शिवाजी संभाजी ने कितना परेशान किया होगा। तो दोस्तों शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने 1988 में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की घोषणा की थी। अब ये कदम महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच आया है दोस्तों। भगवान जगन्नाथ यात्रा भारत के किस राज्य में होती है, जो आज से शुरू हो गई है 1 जुलाई से दोस्तों, 1 जुलाई से आषाढ़ माह के
शुक्ल पक्ष के द्वितीय तारीख को ये दोस्तों शुरू होता है, ये शुरू होता है। क्लियर है? तो दोस्तों जो है यहां पर ये उड़ीसा में पुरी में दोस्तों, कहां पे? पुरी में जो है जगन्नाथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी हमारे कृष्ण जी का नाम है, बलभद्र जी हमारे बलराम जी का नाम है, सुभद्रा जी जो है वो कृष्ण जी और बलराम जी की बहन थी, जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था। और अर्जुन का पुत्र जो है दोस्तों अभिमन्यु, यानी कृष्ण जी का भांजा था, कृष्ण जी उसके मामा थे। और फिर वीर अभिमन्यु, सोचो एक मामा को पता था कि मेरा भांजा आज वीर गति को प्राप्त होगा, लेकिन अमर होगा दोस्तों। उसके बाद अभिमन्यु के जो पुत्र थे परीक्षित जी, उन्हीं को पांडवों ने युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद सब कुछ जीतने के बाद, परीक्षित को अपना राजपाट दे करके वो स्वर्ग की ओर चल पड़े थे, जिसमें रास्ते में केदारनाथ भी पड़ा था दोस्तों। और धीरे धीरे हिमालय की ओर चलते चलते चले गए और स्वर्ग की प्राप्ति होती चली गई। सशरीर केवल विष्णु जी पहुंचे दोस्तों। मेरा यार यहाँ पे ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे लगा बफरिंग हो रही है क्या। तो दोस्तों ये जो है बहुत उत्साह के साथ वहां पर मनाया जाता है। मैंने तुम लोग को कितनी डिटेल जानकारी दी है सोचो। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख दोस्तों कब थी? 1 जुलाई से। अब तक जो लोग नहीं किए हैं, अब 1 जुलाई से चार्जेस लगेंगे। 1 जुलाई से दोस्तों पैन कार्ड को आधार से लिंक करने पर चार्जेस लगेगा दोस्तों। पैन कार्ड जो है ये 10 डिजिट का कोड होता है, और आधार कार्ड जो है वो 12 डिजिट का होता है। जो लोग इनकम टैक्स वैक्स भरते हैं और उससे रिलेटेड काम करते हैं, कमाई एमाई करते हैं, वो पैन कार्ड रखते हैं। पैन को आधार से लिंक करना है दोस्तों, ये सभी लोगों को करना है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, समझ गए। युधिष्ठिर भी सशरीर पहुंचे थे। युधिष्ठिर ही सी सशरीर पहुंचे थे भाई, युधिष्ठिर और उनके दम पाल वाले। और वहां के वो पालतू नहीं है, वहां के नॉर्मल है, क्योंकि वहां इतनी ठंड पड़ती है कि अगर उनको इतना बाल नहीं होगा तो वो मर जाएंगे। तो प्रभु सब देखता है यार, सबकी व्यवस्था बनाता है। उसके लिए भी स्वेटर बना रखा है, हमारे वालों के लिए एकदम क्लीन सेव रखा है कि उनको गर्मी ना पड़े। उनको गर्मी पड़ती है, यहाँ वालों को बाल नहीं दिया, वहां वालों को भयानक जो है बाल दिया कुत्तों को। तो दोस्तों जो है भगवान सब करता है भाई साहब, हम लोग झूठे ही अपने आप पे घमंड करते हैं। तो दोस्तों 30 जून लास्ट डेट थी, 1 जुलाई से अब जो नहीं करेगा उसको पेनाल्टी लगेगी, डबल पेनाल्टी, 1,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। अब जो करने की कोशिश करेगा और भी ज्यादा उसके ऊपर कड़ाई की जाएगी दोस्तों। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाक कर्मयोगी पोर्टल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे जो है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इम्प्लॉय को ट्रेंड करना। क्या है दोस्तों? इम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, यही जो है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। ओके, क्लियर है? डाक विभाग का डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के तहत आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों कर्मचारियों की दक्षता को ये बढ़ाएगा। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खबरों में रही रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों रैंप योजना आपको पता है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री से संबंधित है। और एमएसएमई से रिलेटेड आजकल न्यूज क्यों आ रही है? क्योंकि अभी 27 जून को एमएसएमई डे मनाया गया। ठीक है, एमएसएमई डे मनाया गया। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा कि नहीं सभी लोगों को? वेरी गुड। डाक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रोन के द्वारा गुजरात में शुरू हुआ था, यह भी याद रखिएगा। रैंप योजना अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक इसके लिए एमएसएमई के लिए रैंप योजना में लोन दे रहा है। वर्ल्ड बैंक स्टार्स प्रोग्राम में टीचिंग को आगे बढ़ा रहा है। वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों और कौन सा प्रोग्राम चला रहा है? रिवार्ड प्रोग्राम वाटर मैनेजमेंट के लिए चला रहा है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए, है ना।
तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम श्रेष्ठा जी चला रहा है। श्रेष्ठा जी जो है गुजरात के हेल्थ सेक्टर के लिए चला रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के चल रहे हैं दोस्तों, रिवॉर्ड स्टार, श्रेष्ठा, रैंप, ठीक है। तो दोस्तों ये एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है वो नारायण राणे जी के पास है, ये भी याद रखिए, जो महाराष्ट्र से ही आते हैं, कभी शिवसेना के ही पार्ट थे दोस्तों। दोस्तों एमएसएमई ने आइडिया हैकाथॉन किया था, आपको याद हो तो, उसके भी पुरस्कार वितरित किए गए और एमएसएमई पुरस्कार भी दिए गए एमएसएमई डे के दिन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्च किया गया कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स स्कीम और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का नया फीचर भी दोस्तों लॉन्च किया गया था। ये सारी चीजें दोस्तों की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्यमी भारत प्रोग्राम में भाग लिया, क्योंकि भाई एमएसएमई डे था तो उद्यमी भारत प्रोग्राम में लॉन्च जो है भाग लिया दोस्तों नई दिल्ली में रैंप प्रोग्राम के लिए। रैंप का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। दोस्तों एमएसएमई को लोन देने के लिए जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 5 AIFI में से एक वो सिडबी है। सिडबी जो है एस रमन साहब इसके हेड हैं। 2 अप्रैल 1990 को ये स्थापित हुई थी और दोस्तों लखनऊ में इसका जो है, मुंबई में है, वो 8 अप्रैल 2015 को आई थी, जिसमें 3 योजनाएं, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000 का लोन, किशोर में 5 लाख का लोन और तरुण में 10 लाख का लोन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों एक उद्यम पोर्टल है और एमएसएमई के लिए वन स्टॉप पोर्टल जो है वो किस नाम से है? चैंपियन पोर्टल के नाम से। किस नाम से है? चैंपियन पोर्टल के नाम से, ठीक है। वन स्टॉप पोर्टल जो है वो चैंपियन पोर्टल है और रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो उद्यम पोर्टल है। एमएसएमई के दोस्तों अगर 10 लाख तक के लोन तो मुद्रा योजना में दिए जाते हैं, लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर का लोन दिया जाता है तो उसके लिए स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप इंडिया तो सबके लिए है, लेकिन स्टैंडअप इंडिया खाली एससी एसटी और वीमेन्स के लिए है, एससी एसटी और वीमेन्स के लिए, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, एमएसएमई की बात करें दोस्तों तो माइक्रो जो है 5 करोड़ के टर्नओवर और 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों को कहा जाता है। स्मॉल जो है दोस्तों वो 50 करोड़ के टर्नओवर और 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों को कहा जाता है और मीडियम इंटरप्राइजेस वो है 250 करोड़ के टर्नओवर और 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों को कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, नेस्कॉम की एक रिपोर्ट आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस साल तक जीडीपी में $500 बिलियन जोड़ देगा। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिस तेजी से इसकी ग्रोथ हो रही है 2025 तक जो है ये $500 बिलियन का कंट्रीब्यूशन अब भारत की जीडीपी में करेगा। नेस्कॉम जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के उद्योग संगठन है, जिसके हेड हैं कृष्णन रामानुजन जो TCS के हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं अनंत माहेश्वरी जो कि माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया के हेड हैं। दोस्तों अगर उद्योग संगठनों की बात की जाए तो CII के हेड TV नरेंद्रन टाटा स्टील वाले की जगह अब बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज हो गए हैं और दोस्तों अभी जो है फिक्की के हेड हिंदुस्तान यूनिलीवर के संजीव मेहता हो गए, ठीक है, क्लियर है। बीच बीच में बफरिंग बहुत कर रहा है यार, क्या बात है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए अगर यहाँ पे हो। नेस्कॉम की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है कृष्णन रामानुजन और प्रेसिडेंट है देवजानी घोष, ठीक है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पद्मा लॉन्च किया है। पद्मा का फुल फॉर्म है दोस्तों पेरोल ऑटोमेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। ये दोस्तों किस के लिए लॉन्च किया गया है, रक्षा मंत्रालय ने किसके लिए लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लॉन्च किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड को आपको याद है कि एक नया स्क्वाड्रन बनाया उसने, उस स्क्वाड्रन का नंबर बताइएगा।
जिसमें उसने ध्रुव हेलीकॉप्टर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने बनाया है स्वदेशी ALH MK3 उसको जो है शामिल किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड वीरेंद्र सिंह पठानिया है दोस्तों, बात समझ में आ रही, वयम रक्षाम इसका जो है आदर्श वाक्य है। और 1 फरवरी 1977 को यह स्थापित हुई थी, 1 फरवरी 1977 को यह स्थापित हुई थी, ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में मेटा के साथ, मेटा मतलब आप तो समझी गए, फेसबुक का नाम अब मेटा हो गया, फेसबुक मदर कंपनी हो गई है। तो दोस्तों यहां पर सेकेंड फेज ऑफ गोल 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है मेटा यानी फेसबुक के साथ। गोल 2.0 प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है दोस्तों, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के ने लॉन्च किया है। गोल का फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर यानी ट्राइबल लोग जो आदिवासी लोग हैं वो आगे बढ़े। और अर्जुन मुंडा ने इसे शुरू किया दोस्तों, वो खुद मुंडा समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी मंत्री भी हैं और खुंटिया से चुन के आते हैं झारखंड से। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी एक आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो संथाल जनजाति से आती हैं। संथाल जनजाति से आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी भी आते हैं संथाल जनजाति से, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा बताओ। तो दोस्तों जो है इसके सेकेंड फेज में किसके द्वारा, ट्राइफेड के द्वारा, ट्राइफेड के द्वारा दोस्तों इसे जो है क्या किया जाएगा, ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है ये देखो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे सेकेंड फेज में क्या किया जाएगा, 50,000 स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप और 10,00,000 फैमिलीज को जो कि ट्राइफेड से जुड़े हुए हैं उन्हें जो है इसके थ्रू मदद पहुंचाई जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फेज में जो है ट्राइबल यूथ की जो है डिजिटल मेंटरशिप प्रोग्राम में लाइफ चेंज की गई थी। अब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, जब गांव के ही 10 से 20 लोग मिलकर के बिजनेस शुरू करते हैं और ये आदिवासी समुदाय जो है कुछ कुटीर उद्योग, कोई भी चीज बना रहे हस्तशिल्प का, कोई भी यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको वर्ल्ड भर में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एयरपोर्ट पे एक नर्स इंडिया के साथ ग्लोबल हेल्थ केयर नामक दोस्तों इंडस्ट्री का पहला हेल्थ बीमा इंश्योरेंस लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री का पहला हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है, इतना हेल्थ इंश्योरेंस आया दोस्तों, ये ग्लोबल हेल्थ केयर है यानी कि आप केवल इंडिया में नहीं दुनिया में कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी अपना इलाज कराइए, यहां पर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल, बिल्कुल बसंत, हैप्पी रथ यात्रा, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पे देखें तो बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने दोस्तों यहां पर पहली जो है ग्लोबल हेल्थ केयर जो है पॉलिसी लॉन्च करी है। इसके सीईओ और एमडी हैं तपन सिंघल, 2001 में बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस आई थी और दोस्तों हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में। आप याद रखिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, क्लियर है। कहा जाता है कि ये जो बजाज तो इंडिया की है, एलियांस बाहर की कंपनी है और एलियांस कंपनी ने ही टाइटेनिक का इंश्योरेंस किया था, ये भी कहा जाता है क्योंकि मैंने वहां जॉब किया है तो मैंने ये बात सुनी हुई है। दोस्तों उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में स्वास्थ्य बीमा समाधान वितरित करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों बैंक का एश्योरेंस टाइप किसे कहते हैं, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी बैंक में, बैंक से टाई अप करती है और बैंक को एजेंट बना लेती है, बैंक जो भी प्रोडक्ट बेचता है उसी कंपनी का फिर बेचता है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों यहां पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से टाई अप किसका हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक का हो गया है। IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों भारत के आखिरी बैंकों में है, IDFC बैंक और बंधन बैंक दो बड़े बैंक आखिरी में आए थे, करीब 2013 में इन लोगों को लाइसेंस मिला था, ठीक है। वी वैद्यनाथन इसके हेड हैं। इस IDFC का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। फाउंड हुई थी अक्टूबर 2015 में।
वी वैद्यनाथन इसके सीईओ हैं, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, याद रखिएगा ठीक है। ऑलवेज यू फर्स्ट इसकी टैगलाइन है, ऑलवेज वी यू फर्स्ट ये इसकी टैगलाइन है। बाद में कैपिटल फर्स्ट नामक एक एनबीएफसी भी इसके साथ जुड़ गई और इसका नया नाम हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसके ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन बने थे। दोस्तों आरबीआई के आप आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट में क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है और दोस्तों 1,14,000 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट हुए, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन जो स्वैपिंग मशीन है उसके थ्रू 42,266 करोड़ और दोस्तों ई कॉमर्स के थ्रू 71,429 करोड़ रुपए स्पेंड हुए, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, दोस्तों आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मई 2022 में क्रेडिट कार्ड खर्च 1.14 ट्रिलियन रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया जो कि 7.8% अधिक है पिछले महीने से। दोस्तों उस कंपनी का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल पेमेंट सेवाओं की पेशकश करने के लिए इजी ट्रांसफर के साथ भागीदारी की है। इजी ट्रांसफर के साथ दोस्तों भागीदारी की है, आपको जो है यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ खबरें और भी दी हुई हैं इसलिए मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ा है, ठीक है, वापस यहाँ पे आना पड़ा है। क्या क्या खबरें हैं, 1.7 मिलियन न्यू क्रेडिट कार्ड्स दिए गए हैं, ये भी यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ बातें और कही गई हैं जैसे कि HDFC बैंक जो भारत का सबसे बड़ा लेंडर था उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करने का, उसको हटाया गया दोस्तों डिजिटल पेमेंट को और बुस्टअप करने के लिए आरबीआई ने उसके ऊपर से बैन हटाया था। अभी आरबीआई ने मास्टर कार्ड के ऊपर से भी बैन हटा लिया है, तो दोस्तों जो है इसकी वजह से भी अचानक से एक बूम आया है क्रेडिट कार्ड पेमेंट में। दोस्तों उस कंपनी का नाम बताइए जिसने यहाँ पे इजी ट्रांसफर के साथ किया है टाइप, इजी ट्रांसफर चाइना की कंपनी है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, भारत की कंपनी है कैश फ्री और ये चाइना की कंपनी है। जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों जो चाइना में ज़्यादातर पढ़ने जाते हैं, ज़्यादातर मेडिकल वेडिकल की तैयारी करने के लिए दोस्तों लोग आजकल विदेश चले जाते हैं, भारत में मेडिकल की तैयारी बहुत महंगी है, चाइना रिटर्न हो जाते हैं, यूक्रेन रिटर्न हो जाते हैं, रशिया रिटर्न हो जाते हैं, आप देखे थे मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भी बचा के लाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन गंगा के तहत, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल से लोगों को बचा के लाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव से लोगों को समुद्र के रास्ते से लाया गया था कोरोना के समय में, ऑपरेशन वंदे भारत में पूरी दुनिया भर से हवाई मार्ग से लाया गया था लोगों को बचा के कोरोना के समय में। दोस्तों तो इजी ट्रांसफर चाइना की कंपनी है, उसने कैश फ्री के साथ टाई अप किया है ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को फीस पेमेंट करने में आसानी हो, फी पेमेंट करने में दोस्तों आसानी हो। बात करें चाइना की तो चाइना की ट्रेंसेंट कंपनी ने अभी फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी ले ली है दोस्तों, बिन्नी बंसल ने अपनी हिस्सेदारी कुछ जो है ट्रेंसेंट कंपनी को भी बेच दी है चाइना के, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पे नेशनल हाईवे सेंट्रल एक्सीलेंस अवार्ड भी आयोजित किया गया है नितिन गडकरी की मंत्रालय के द्वारा। वेलस्पन एंटरप्राइजेस को गोल्ड अवार्ड मिला है दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PPP कैटेगरी में। सिम्हाद्री एक्सप्रेस वे को सिल्वर अवार्ड मिला है दोस्तों हाईवे सेफ्टी में लेन कैटेगरी में, और GR इंफ्रा को दोस्तों स्पेशल अवार्ड मिला है ग्रीन हाईवे कैटेगरी में। अभी सूरत में दोस्तों स्टील वेस्ट से इन्होंने रोड भी बनाया इसी मंत्रालय ने, और दोस्तों इसी ने अकोला से अमरावती तक दोस्तों 75 किलोमीटर के करीब का रोड बना करके रिकॉर्ड बनाया, 105 घंटे में 75 किलोमीटर का रोड बना करके एक इतिहास रच दिया दोस्तों इसी मंत्रालय ने। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 75 बॉर्डर रोड कैफे ओपन किए हैं, उसने भी अटल टनल और दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और उमलिंग ला पास में 52 किलोमीटर के रोड से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने भी बनाया। दोस्तों नासा ने किस देश में माहिया जो है प्रायद्वीप में पेनिनसुला में
रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स वन से रॉकेट लैब के, रॉकेट लैब कहाँ की कंपनी है दोस्तों, ये भी आप बताइएगा क्योंकि दोनों का आंसर एक ही है। इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर चंद्रमा के लिए, चंद्रमा यानी ल्यूनर ऑर्बिट के लिए एक 12 इकाई क्यूब से चंद्र ऑर्बिटर कैपस्टोन लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया भैया? कैपस्टोन को लॉन्च किया है, नासा ने कैपस्टोन को लॉन्च किया है, ठीक है। ल्यूनर में तो जा ही रहा है तो ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कैपस्टोन को लॉन्च किया है दोस्तों, कहां से लॉन्च किया है? नासा तो अमेरिका की है लेकिन उसने दोस्तों न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है, न्यूजीलैंड से दोस्तों लॉन्च किया है। अभी कुछ अभी आपने दो दिन पहले ये भी देखा था कि नासा ने 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से भी दोस्तों एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी, याद है। अब ये चंद्रमा के लिए दोस्तों ये कम लागत वाला एक मिशन है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड भी है दोस्तों। हाल ही में किस संगठन ने पोरबंदर बंदरगाह गुजरात में 835 स्क्वाड्रन में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को दोस्तों लॉन्च किया है, कमीशन किया है? ध्रुव को ALH MK3 हेलीकॉप्टर कहते हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। आर माधवन हेड है, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये 1 फरवरी 1977 को आई थी। वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके हेड है, वयम रक्षाम इसकी टैगलाइन है दोस्तों। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पद्मा जो है एक मंथली अलायंस वाला जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों 835 स्क्वाड्रन पोरबंदर बंदरगाह में और 840 स्क्वाड्रन शायद जो है वो कहां पे हुआ था? ईस्टर्न कमांड में, चेन्नई में हुआ था, ठीक है। एक 840 स्क्वाड्रन में भी ये हेलीकॉप्टर शामिल हुआ है वो मेरे हिसाब से चेन्नई में, और ये 835 स्क्वाड्रन है जो मेरी जानकारी अगर सही है तो, मेरी याददाश्त अगर सही है तो ये पोरबंदर में। और पोरबंदर में 1869 में दोस्तों गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में दोस्तों। भारत बनाम आयरलैंड T20 सीरीज हुई, इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं? इंडियन क्रिकेट टीम जो हार्दिक पांड्या जो है जिसको लीड कर रहे थे, इन्होंने आयरलैंड को हरा दिया है, ठीक है, दोनों T20 मैच में। दीपक हुड्डा युजवेंद्र चहल ने रिकॉर्ड तोड़ा है हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप का T20 में दोस्तों, इन लोगों ने 176 रन का रिकॉर्ड बनाया है पार्टनरशिप का। उमरान मलिक जो जम्मू कश्मीर के बहुत फास्ट बॉलर हैं, IPL में बड़ा फास्ट बॉलिंग करके अपना ध्यान आकर्षित किया था, इन्होंने डेब्यू कर लिया है इंडियन क्रिकेट टीम में और इन्होंने सेकेंड मैच में एक विकेट अपना विकेट भी लिया। ठीक है, चलो मैंने पानी भी पी लिया, अब ताबड़तोड़ खेल भी लेंगे हम लोग, है ना। तो उमरान मलिक जो है दोस्तों वो कहां के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं, ओके क्लियर है। मैं 26 जून से 28 जून तक मालाहाइड क्रिकेट क्लब द विलेज मालाहाइड आयरलैंड में हुआ है, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो दोस्तों दीपक हुड्डा और संजू सैमसन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछला रिकॉर्ड रोहित शर्मा और KL राहुल का था जिन्होंने 165 रन बनाए थे, अब इन लोगों का रिकॉर्ड हो गया 176 रन का। दोस्तों उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बोलाट तुरलिखा नोव कप में फ्री स्टाइल पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। अमन सहरावत ने दोस्तों यहां पे गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, भारत ने 12 पदक हासिल किए हैं, महिलाओं में 5 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज और पुरुषों की फ्री स्टाइल 1 स्वर्ण 2 कांस्य, पुरुषों की ग्रीको रोमन में 1 कांस्य। दोस्तों गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में विराट कोहली ही ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे क्योंकि मालिक भी विराट कोहली और अनुष्का भाभी ही है। मतलब जैसे कि अभी गरुण एरोस्पेस चेन्नई वाले में जिसने मलेशिया में फैक्ट्री भी ओपन करी है
उसमें ब्रांड एम्बेसडर बने तो शेयर ले लिया महेंद्र सिंह धोनी जी ने, वैसे ही इन्होंने भी ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए इसमें शेयर ले लिया, तो ये इसके हिस्सेदार भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं दोस्तों, ठीक है। इन्होंने अपना नया ब्रांड अभियान डू द डिजिट डिजिट शुरू किया है, डू द डिजिट डिजिट शुरू किया है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। हाल की कुछ नियुक्तियों को देखा जाए तो रॉ के हेड सामंत कुमार गोयल वापस से बन गए हैं, तपन कुमार डेका जो है वो बन गए हैं आपके आईबी के हेड, और शायद दिवाकर गुप्ता जो है, क्या नाम है, कौन से डी कोई गुप्ता है, डी गुप्ता, वो शायद उसके हेड बन गए हैं क्या एनआईए के। सीईओ नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के हेड जो है वो अनिल खन्ना बन गए हैं, और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के प्रेसिडेंट श्याम सरन बन गए, ठीक है। ये रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं कुछ जो है, आप लोग याद कर ले, ठीक है, समझ गए, ओके ओके क्लियर है। चलो, आईजी ड्रोन को एयर अवार्ड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप कैटेगरी से सम्मानित किया गया। आईजी ड्रोन किस शहर में स्थित है? आईजी ड्रोन को दोस्तों अवार्ड दिया गया है बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन का। आईजी ड्रोन कहाँ की कंपनी है दोस्तों जिसको बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी अवार्ड मिला है? तो ये दिल्ली की कंपनी है आईजी ड्रोन। अभी आपने चेन्नई की कंपनी गरुड़ एयर स्पेस को देखा जिसके महेंद्र सिंह धोनी एम्बेसडर बने। ड्रोन से मेडिकल सेवाएं देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ड्रोन फेस्टिवल ग्वालियर में मनाया गया, 12 ड्रोन महोत्सव दिल्ली में मनाया गया था दोस्तों। ड्रोन के लिए 120 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम भी दी गई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जारी की गई थी सरकार के द्वारा। ड्रोन पे भारत आत्मनिर्भर बने इसके लिए ड्रोन के इम्पोर्ट को भी बैन कर दिया गया, अब ड्रोन का इम्पोर्ट कहीं किसी देश से नहीं हो सकता दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति, और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और दीपिका पादुकोण के पापा प्रकाश पादुकोण को कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिए गए? तो दोस्तों कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई के पहले कौन थे? येदुरप्पा। येदुरप्पा के नाम से एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? बेंगलोर में एक और बन रहा है। तो दोस्तों कैंपेगोड़ा कौन है दोस्तों? बेंगलोर शहर के वास्तुकार है। उनकी 513वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। मैंने एक साउथ की मूवी देखी थी जिसमें कि कैंपेगोड़ा की आत्मा आ जाती थी, वो ऐसे घोड़े पे सवार होते थे एक हीरो के ऊपर, फिर बहुत मार मारता था जो है विलेन लोगों को दोस्तों। डीआरडीओ भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का किस युद्धक टैंक से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? डीआरडीओ दोस्तों जी सतीश रेड्डी हेड है, आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का, और दोस्तों 1 जनवरी 1958 को ही आई थी। और इंडियन आर्मी, इन लोगों ने मिलकर, इंडियन आर्मी 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, इन दोनों लोग मिलकर इंडिजिनियसली डेवलप्ड, स्वदेशी रूप से डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मतलब है ATG मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब मिसाइल, अगर टैंक इधर उधर भी हुआ तो वो अपना मिसाइल भी इधर उधर होकर के मार देगा, समझ रहे हैं। तो दोस्तों जो है यहाँ पर केके रेंज अहमदनगर महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया गया। ये जो है दोस्तों किस टैंक से इसको जो है चलाया गया है, किस टैंक से इसको चलाया गया है दोस्तों, किस बैटल टैंक से इसको चलाया गया है? तो उसका नाम है दोस्तों अर्जुन। उस टैंक का क्या नाम है मेरे भाई? अर्जुन। अर्जुन टैंक से इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कैटेगरी में मकसद सत्यबाल्डी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप दोस्तों कहां पर आयोजित किया गया? किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में किया गया। कहां किया गया? किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। वन के पहले दोस्तों
यूएसएसआर का पार्ट था, सोवियत रूस का पार्ट था, सोवियत संघ का पार्ट था, यूक्रेन भी था, कजाकिस्तान भी था, उज्बेकिस्तान भी था, बहुत सारे थे, 15 देश थे उसमें। दोस्तों भारतीय हॉकी के दिग्गज और गोल्ड मेडल विजेता 1975 विश्व कप टीम के सदस्य वरिंदर सिंह का निधन हो गया दोस्तों। उन्हें किस वर्ष ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था? ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों उन्हें जो है 2007 में दिया गया था, 2007 में दिया गया था। ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी वर्ल्ड कप विजेता वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया। 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों कुआलालंपुर में, उसकी हिस्सा थे उसकी टीम के। और 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था दोस्तों उसका भी हिस्सा थे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे 2007 में इनको ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड मिला था, 2007 में, याद रखिएगा 2007 में। दोस्तों एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीसी बैंक ने परफ्यूज एए में कितने परसेंट हिस्सेदारी हासिल की? यानी तीन बैंकों ने परफ्यूज एए में हिस्सेदारी ली है, और कितनी कितनी ली है? 9.54%, 9.54% हिस्सेदारी लिया है। ठीक है, क्लियर है। परफ्यूज एए क्या है? एक बेंगलोर बेस्ड आरबीआई का रजिस्टर्ड एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है। आरबीआई ने एक अकाउंट एग्रीगेटर शुरू किया है एनबीएफसी का, उसमें इन लोगों ने, तीनों लोगों ने हिस्सेदारी ली है, क्योंकि आरबीआई जो कहेगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनता है। अभी एचडीएफसी और आईसीसी ने आईडीआरसेल में 15% की हिस्सेदारी ली थी, याद हो अगर आपको तो। दोस्तों वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे जो है कब मनाया जाता है और इसका विषय क्या था? तो दोस्तों स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये जो है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे का थीम रहा है। एस्टेरॉयड क्या होते? क्षुद्र ग्रह होते, जो कई बार आप टूटते हुए तारे और ऐसे कुछ देखते हैं, कई बार चमकती हुई चीज आती गायब हो जाती है, कई बार ये पृथ्वी से टकराने टकराने भी हो जाती है, कई बार इसके लिए डार्ट मिशन नासा चलाता है कि इसको जो है दो भागों में बांट दिया जाए। तो दोस्तों जो है यहां पे एस्टेरॉयड डे मनाया कब जाता है, ये अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। जब हम थीम पढ़ लेते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एस्टेरॉयड के बारे में जान लेते हैं, क्षुद्र ग्रहों के बारे में, तो हमें ये भी जानने की उत्सुकता होती है कि जो भाई कल का दिन था 30 जून का दिन, वो वर्ल्ड क्षुद्र ग्रह दिवस था। आज दोस्तों 1 जुलाई है, आज आपको फेसबुक में कम से कम 100-200 लोगों का बर्थडे दिखाई देगा, क्योंकि जब आपके गार्जियन अवेयर नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, और अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन कराते हैं, या फिर कॉलेज वाले ही लापरवाह होते हैं, वो उस बच्चे, माँ बाप तो बताए होंगे, वो कॉलेज वाले, स्कूल वाले, प्राइमरी स्कूल वाले, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो सबका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? 1 जुलाई लिख दिया जाता है। लो भैया 1 जुलाई, 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी के बर्थडे पर आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं। ये क्वेश्चन आईबीपीएस में पिछले ही साल पूछा कि डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को किसके बर्थडे पर मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के बर्थडे पर मनाया जाता है 1 जुलाई। आज है दोस्तों, सेशन की नई शुरुआत होती है, नया नई शुरुआत है दोस्तों, और 1 जुलाई को माना जाता है कि भाई अब चलो बारिश वारिश का समय आ गया, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, अब लू का समय चल रहा है, इसलिए 1 जुलाई को सेशन शुरू हो। खैर डॉक्टर्स डे के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आज एसबीआई डे भी है, आज एसबीआई डे भी है दोस्तों। 1 जुलाई 1955 को ही एसबीआई की स्थापना आज हुई थी, जो गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी, एडी गोरेवाला, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, जिसके कहने पर दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं 1 जुलाई से, इसलिए भी आप याद। 1 जुलाई 2017 को ही दोस्तों जीएसटी की भी शुरुआत हुई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, जिसने 17 टैक्स और 23 सेस को खत्म किया था दोस्तों। तो आज वो दिन भी है,
आज कौन सा दिन है, आज वो दिन भी है, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों, जिसे हमें क्या करना होगा, याद रखना होगा। एक बार लाइक की संख्या भाई बढ़ा दो, भाई साहब एक बार लाइक की संख्या भी बढ़ा दो। तो दोस्तों आइए, मजा आ गया 1 जुलाई को पढ़ के। 1 जुलाई मुझे याद नहीं था, लेकिन अचानक से बात आई तो मेरे दिमाग में इतनी बातें तो आई गई। तो दोस्तों आइए कल का रिवीजन करते हैं। ब्रिक्स में सदस्य बनने के लिए दोस्तों अभी अर्जेंटीना और ईरान ने अप्लाई किया, ईरान ने तो ओपन अप्लाई किया है। रशिया के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया। वैसे ब्रिक्स में 5 ही मेंबर हैं, जो ये 5 नाम दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन ब्रिक्स बैंक जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें उरुग्वे, यूएई और बांग्लादेश और अभी इजिप्ट, ये 4 देश ऐड हुए हैं। ब्रिक्स में नहीं ऐड हुए हैं, ब्रिक्स बैंक में ऐड हुए हैं, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे 29 जून को किसके बर्थडे पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये पीसी महालनोबिस जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। सेकेंड 5-ईयर प्लान इन्हीं के मॉडल पर आधारित था, प्रशांता चंदा महालनोबिस। दोस्तों दो भारतीय अभिनेताओं काजोल और सूर्या को इनवाइट किया गया है मेंबर बनने के लिए क्लास ऑफ अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस में, ठीक है। काजोल और सूर्या को यहां पर जो है इनवाइट किया गया। दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के वकील होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, के वेणुगोपाल जी हैं 2017 से ही, और इनका कार्यकाल बार बार बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। मुकुल रोहतगी जी की जगह ये आए थे, और आप भाई इनकी उम्र समय हो गया है, लेकिन भाई इनके पास एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है हर चीज में, भारत सरकार का गजब की दलील देते हैं। 91 ईयर भाई, 370 हटाना हो तो जैसा इतने आराम से हटवा दिया, तो ये इन्हीं के बस की बात है, इनके बहस की बात है। हाल ही में किस राज्य में यूरेनियम पाया गया दोस्तों, यूरेनियम माइनिंग रिजर्व जो है राजस्थान में पाया गया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया। नवजीत ढिल्लों दोस्तों किस गेम से संबंधित हैं, तो डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। इन्होंने अभी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है कजाकिस्तान में, दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों दो कंपनियां हैं, एक हैदराबाद की कंपनी है और एक बेंगलुरु की कंपनी है। तो बेंगलुरु की कंपनी दिगंतारा और हैदराबाद की कंपनी दोस्तों ध्रुव स्पेस को इन स्पेस से ऑथोराइजेशन प्राप्त हो गया है। इन स्पेस ऑथोराइजेशन देने के लिए ही संस्था बनाई गई, इन स्पेस का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। इन स्पेस भी अभी ही बनी है, सबसे मजे की बात है जो ऑथोराइजेशन देने वाली जो संस्था है वो भी अभी ही बनी है, अहमदाबाद में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। दोस्तों परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जिसने बढ़िया प्रदर्शन किया होगा उसको सम्मानित किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हेड है, ठीक है, क्लियर है। इसमें दोस्तों राजस्थान का जो सीकर जिला है वो बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद झुंझुनू और फिर जयपुर आता है, दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये तो राजस्थान की रिपोर्ट हो गई, ये तो राजस्थान की रिपोर्ट हो गई दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपको राजस्थान के सीकर को बस याद रखना है, डिजिटल लर्निंग में इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों अभी एक एनबीएफसी है मुफिन फाइनेंस, जिसको कि आरबीआई ने सेमी क्लोज पीपीआई का लाइसेंस दे दिया है। सेमी क्लोज पीपीआई यानी कि जैसे कि पेटीएम है ना, वो पीपीआई है, वैसे ही इसको भी अब पीपीआई बनने का जो है लाइसेंस दे दिया है, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। दोस्तों पेपरलेस पेन नंबर जो है पेन सेवाएं देने के लिए अभी प्रोटीन ई जीओवी टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किया है पे नियर बाई ने। किसने टाई अप किया है, पे नियर बाई ने ई प्रोटीन जीओवी के साथ टाई अप किया है। पेपरलेस पेन रिलेटेड सर्विस थ्रू आधार और बायोमेट्रिक और एसएमएस बेस्ड वन टाइम पासवर्ड खट से जो है कि अटैच होगा और ये काम जो है आराम से हो जाएगा।
दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत माहेश्वरन। उन्होंने भारत को बताया है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वो बन जाएगा 2026-27 तक। 3.3 ट्रिलियन अभी भारत की जीडीपी है, 5 ट्रिलियन हो जाएगी जिस हिसाब से ये बढ़ रही है। जिस हिसाब से बढ़ रही है ये मान के चलने 8.7% की ग्रोथ इस बार है, तो हिसाब से दोस्तों ये बढ़ रही है। पिछले साल 8.7% रहा, उसके पिछले साल -6.6% था। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब माइनस और ग्रोथ का मतलब प्लस, ठीक है। संकुचन का मतलब माइनस, वृद्धि का मतलब ग्रोथ, और उसके पिछले साल +3.7% था। दोस्तों इंडियन हॉकी टीम ने स्विट्जरलैंड में 5S टूर्नामेंट जो पहली बार हुआ था उसको इंडिया ने जीत लिया। पहली बार ही हुआ, लॉजेन में हुआ जहाँ FIH का हेडक्वार्टर है, नरेंद्र बत्रा हेड है। तो दोस्तों जो है इंडिया ने जीता। अब महिलाओं वाली जो टूर्नामेंट थी वो उरुग्वे ने जीती है, महिलाओं वाली उरुग्वे ने जीती है। फर्स्ट एवर सीनियर वर्ल्ड हॉकी 5S कॉम्पिटिशन हुआ था, ठीक है। FIH की बात करें दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और नरेंद्र बत्रा हेड है, और वहीं पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, जिसकी कमेटी की चेयर अभी बनी है लवलीना बोरगोहेन। सापुर पुलंजी ग्रुप के अध्यक्ष पालोन जी सापुर जी मिस्त्री का निधन हो गया दोस्तों। उन्हें जो है 2016 में पद्म भूषण मिला था। 2016 में दोस्तों उनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस, फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस जो है दोस्तों यहां पर इन्हें कहा जाता है। कहा जाता है आरबीआई का हेडक्वार्टर बनाने वाले भी यही शख्स थे, बनवाने वाले, ठीक है। टाटा सन्स में इनकी 18.4% की हिस्सेदारी है, सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेयर है दोस्तों इनका टाटा सन्स में, ठीक है। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी, मुगल्स ऑफ रियल इस्टेट, जो मनोज नुम्बरू द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने तीर्थ यात्रियों के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की है, तो कर्नाटक ने काशी यात्रा योजना शुरू की है। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को, जो बड़ा सा मंदिर बना है, उसके दर्शन करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। दोस्तों किस राज्य के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ने हाल ही में BSE लिमिटेड के साथ MSME लिस्टिंग पर भागीदारी की है? MSME लिस्टिंग के लिए दोस्तों महाराष्ट्र के साथ टाई अप किया गया है BSE का। BSE ने वैसे तमिलनाडु के साथ भी टाई अप किया था, NSE ने तेलंगाना के साथ टाई अप किया था MSME लिस्टिंग के लिए। दोस्तों रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने रेल मंत्रालय के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया है? ज्वाइंट वेंचर मतलब दो लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं, तो आसाम और रेलवे ने मिलके कंपनी ही बनाई है जिसका नाम है दोस्तों ARIDCL, आसाम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें आसाम गवर्नमेंट का 51% शेयर है, रेलवे मिनिस्ट्री का 49% शेयर है। सोचिए ये भी बड़ी बात है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसे पहले ग्रोफर्स इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो सब्जी अब्जी भी घर तक पहुंचाती थी कोरोना के समय में, बड़ी मदद की थी मेरी गुरुग्राम में, मैं जब फंसा हुआ था 3 महीने तक, तो जोमेटो ने उसे खरीद लिया है दोस्तों से, जोमेटो ने खरीद लिया है दोस्तों। जोमेटो स्विगी पे 5% GST भी सरकार ने लगा दिया, जो कि केवल फूड डिलीवरी कंपनी है, समझ रहे हैं दोस्तों। RBI ने जो है कार्ड की जो टोकन वाली जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन COFT की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया है दोस्तों, 30 सितंबर को जो हाफ ईयर खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर का, वहां तक के लिए दोस्तों। वियरेबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI 123 वाला, 200 रुपये बिना नेट के फंड ट्रांसफर वाला, ये जो है फैसिलिटी एस मनी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एस मनी ने इन दोनों फैसिलिटी को लॉन्च किया है, जो कि NPCI दे रहा है, तो ये फायदा हर कंपनी को उठाना भी चाहिए। UPI 123 पेमेंट जो है वो आपका बिना इंटरनेट यूज हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहां पर जो है वियरेबल ATM में की चेन और रिंग में आपका जो है वो लग जाएगा, और आप आराम से उसको उससे पेमेंट कर सकते हैं, ATM कार्ड से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, की चेन से ही पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। याद
दोस्तों वेंकट रमन कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया। वह किसके हेड थे? वह सेल के भी हेड थे, स्टील अथॉरिटी के, भेल के भी हेड थे, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के, और मारुति के भी हेड थे। दोस्तों इन्हें पीएसयू का फादर कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का फादर कहा जाता है। दोस्तों उन्हें टर्न अराउंड मैन के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो टेक्नीशियंस के रूप में भी जो है तैनात थे। दोस्तों डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल को जो है अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है, जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं इस नाते से। गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन अर्जुन मुंडा जी ने किया है दोस्तों, मेटा के साथ मिलकर के, मेटा यानी फेसबुक। दोस्तों पद्मा जो है अभी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए दोस्तों लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने, जिन्होंने 17.5 से 21 साल वालों के लिए अग्निवीर लॉन्च किया था, अग्निपथ योजना, जिसका इस साल एज 23 साल तक किया गया है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना में आर्मी की वैकेंसी नहीं आई थी। नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने शुरू किया है। नागालैंड में दोस्तों दीमापुर में शहद प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। दोस्तों बुसान यूनिवर्सिटी में इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है किया गया है। बुसान यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया में है, जो अपना एक फ्लोटिंग सिटी बसा रहा है, ठीक है। दोस्तों रिलायंस जियो के नए हेड मुकेश अंबानी के लड़के बन गए हैं, जिनका नाम है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी बड़े पुत्र जो है जियो के हेड बन गए हैं, ठीक है। और 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक दोस्तों इस बार दिल्ली की जगह चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। चंडीगढ़ में दोस्तों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सारे वित्त मंत्री देश भर के इकट्ठे होते हैं, चाहे राज्य हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, जहां भी वित्त मंत्री होंगे वो इसमें शामिल होते हैं। वोटिंग से फैसला होता है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकता अकेले। दोस्तों 8 सीटों वाले वाहनों में कार में 6 एयरबैग आएगी। दोस्तों एयरबैग नहीं होने की वजह से जो है दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई बार एयरबैग होने की वजह से बच जाते हैं लोग, ज्यादातर बच जाते हैं हेलमेट और एयरबैग की ओर। दोस्तों नैसकॉम की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी में $500 बिलियन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर जोड़ेगा 2025 तक जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 30.8% का है, ठीक है। दोस्तों IDRCL के हेड जो है वो अविनाश कुलकर्णी बन गए हैं, और एन सुंदरन नटराजन सुंदरन जो है वो NARCL के हेड बन गए हैं, NARCL के CEO और ये दोस्तों बन गए, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। तो ये दोनों को मिला के ही दोस्तों बैड बैंक कहा जाता है। थैंक यू सो मच। PDF आपको दोस्तों GA/PU Sir पे मिल जाएगा, ठीक है, GA/PU Sir टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, उसका भी आप लोगों को लगाना है। कल शाम को बेस्ट 206 मंथ करंट अफेयर में मैंने होमवर्क क्वेश्चन बहुत रात में दिया, माफ कीजिएगा, तो उसका भी जवाब आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। कल के बेस्ट 200 करंट अफेयर में अभी जाकर के आप लोग आंसर करिए कमेंट में, ठीक है, और अभी मैंने यहां भी दे देता हूं, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा GA/PU Sir पे। उस टेलीग्राम का लिंक भी मैं भेज दूंगा, और लिंक मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा क्वेश्चन के साथ ही, और सब लोग आंसर करेंगे ईमानदारी से, ठीक है, क्लियर है। हैप्पी रथ यात्रा सभी लोगों को, ऊपर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी जो है विशेष कृपा करें, सब विशेष कृपा करें। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था, आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।